नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। सोमवार 24 जून यानी आज से देश की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। लोकसभा का ये सत्र नई संसद में हो रहा है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई सांसदों ने शपथ ली। वहीं आज ही स्पीकर पद भी चुनाव होना है। ये सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चलने वाला है और इन 10 दिनों के दौरान कुल 8 बैठकें होने वाली हैं। वहीं इस बार का लोकसभा का ये सत्र कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि इस बार विपक्ष भी मजबूत स्थिति में है और वो सत्र के दौरान कई मुद्दों को उठाने वाला है और सरकार पर जमकर प्रहार करने की तैयारी में है, जो पहले दिन से दिखने भी लगा है। सभी सांसदों में अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इसी बीच पीएम मोदी की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें एक श्रेष्ठ भारत की तस्वीर नजर आ रही है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले सदन में राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पीएम मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। मोदी के बाद उनकी कैबिनेट के लोकसभा सांसदों ने बारी बारी से शपथ ली। सत्र शुरू होने से पहले संसद पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, देश चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी है, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। बता दें कि राष्ट्रपति 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 28 जून को बहस शुरू होगी। वहीं 2 या 3 जुलाई को प्रधानमंत्री बहस का जवाब देंगे। संसद का ये पहला सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। वहीं लोकसभा के पहले सत्र में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ एक सार्थक सत्र की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं संसद भवन पहुंचे पीएम मोदी की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें पीएम मोदी बीच में खड़े हैं और उनके साथ उत्तर के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दक्षिण के एल मुरुगन, पश्चिम के अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व उत्तर पूर्व के सांसद किरेन रिजिजू भी थे। ये तस्वीर भारत की एकता और अखंडता को दर्शा रही है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के नवनिर्वाचित सांसद उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जाहिर है संसद का पहला सत्र शुरू हो गया है और पहले दिन ही सदन में हंगामा देखने को मिला, जहां एक तरफ सदन के बाहर कांग्रेस और सपा ने प्रदर्शन किया तो वहीं सदन के अंदर राहुल गांधी समेत विपक्षियों ने पीएम मोदी को संविधान की पुस्तक दिखाकर विरोध जताया। हालांकि ये पहला दिन था और ये हंगामा और विपक्ष का विरोध 3 जुलाई तक जारी रहेगा। ऐसे में सदन में और क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।